नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे जो कोई कोई होम थिएटर होते हैं उसके अंदर ट्रेबल नहीं होता है, बेस होता है और वॉल्यूम होता है, लेकिन ट्रेबल उसमें होता नहीं है। तो मैं आज आपको दोनों वॉल्यूम के अंदर ट्रेबल बना के दिखाऊँगा कि इस वॉल्यूम में ट्रेबल कैसे बनाना है और इस वॉल्यूम में ट्रेबल कैसे बनाना है और उसके कनेक्शन कैसे करने हैं जो आपके होम थिएटर के अंदर ट्रेबल भी आ जाए। तो ये ट्रेबल से जो हमारी थोड़ी आवाज़ है वो पतली हो जाती है, मतलब उसके अंदर झनकार भी आ जाती है। और जो हमारा बेस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी होम थिएटर ज़्यादातर बन रहे हैं तो वो उसके अंदर खाली बेस है, ट्रेबल नहीं है। अगर ट्रेबल अगर आपको अलग से लगाना है तो आप आगे पैनल के अंदर या पीछे बैक के अंदर सुराख करके इसे कस के और ट्रेबल लगा सकते हैं। तो मैं आपको ट्रेबल के कनेक्शन बताता हूँ किस तरीके से होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 104 PF लेना है। ये पॉलिएस्टर है, आप पॉलिएस्टर भी ले सकते हैं, PF भी ले सकते हैं। 104 भी लगा सकते हैं और 473 भी लगा सकते हैं और 683 भी लगा सकते हैं। ये तीनों PF आप लगा सकते हैं। देखिए, आप 100, मैं PF आपको बता देता हूँ आप कौन कौन से लगा सकते हैं। 104 लगा सकते हैं, 104 आप PF लगा सकते हैं, 473 PF लगा सकते हैं, 473 PF लगा सकते हैं और 683 PF लगा सकते हैं और 583 PF लगा सकते हैं। ये आप सारे PF लगा सकते हैं ट्रेबल के अंदर। तो अब मैं आपको इनके कनेक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से ये PF लगाए जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा वॉल्यूम है, फर्स्ट पिन, सेकंड, थर्ड। तो आप देखिए, मैं इसको किस तरीके से आपको ट्रेबल बना के दिखाता हूँ और किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इस वाले वॉल्यूम में तो हम जो हमारी बीच की दोनों पिनें होती हैं उस पर हम एक एक पिन लगा देंगे इन PF की। तो ये देखिए, मैंने एक एक पिन लगा दी है बीच वाली पिन के ऊपर, और जो लास्ट वाली पिन ये ग्राउंड होती है इसको हमें इस तरीके से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद अब मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये हमने ग्राउंड का तार लगा दिया ग्राउंड पे, जो लास्ट वाली पिन है उस पर ग्राउंड का तार लग जाएगा और एक एक तार जो है हमारा PF की, जो एक एक पिन बची हुई है, एक एक पिन जो बची हुई है, देखिए इस तरीके से हमारा जो ट्रेबल तैयार हो जाएगा। देखिए, ग्राउंड हमारा ग्राउंड वाली पिन पे लग चुका है। ये देखिए, ग्राउंड ग्राउंड की पिन पे लग चुका है और ट्रेबल की एक एक पिन जो है वो हमने बीच वाली पिन पे लगा दी है और एक एक जो वायर है इस पे आ गई। तो ये अब हमारा ट्रेबल की पूरी वायरिंग हो चुकी है। अब ये तीनों तार बचे हमारे, अब ये तीन तार हमें कहाँ लगाने हैं। तो दोस्तों, अब ये तीनों तार हमें जो हमारा होम थिएटर के अंदर वॉल्यूम है, अब मानिए कि हमारा होम थिएटर के अंदर यही वाला वॉल्यूम है, वॉल्यूम लगा हुआ है हमारा होम थिएटर के अंदर, और हमारा ये वाला वॉल्यूम लगा हुआ है होम थिएटर के अंदर। तो इसके अंदर एक, दो, तीन, तीन पिने हैं, तीन आगे पिन है, तीन पीछे पिन है और ये जो तीन वायर है। तो हमें क्या करना है, ग्राउंड ग्राउंड की जगह पर लगा देना है और जो ये दोनों वायर हैं इसको क्या करना है, एक बीच वाली पिन पे लगानी है एक वायर और दूसरी वायर आगे की जो इसकी, इसके अंदर दो पिन है आगे भी और पीछे भी, तो दोनों बीच वाली वायरों पे लगानी है दोनों वायर। ये दोनों वायर बीच वाली वायर पे आ जाएगी और ये वाली हमारी ग्राउंड पे आ जाएगी। वो ये लगाना है वॉल्यूम वाले कनेक्शन पे। तो इससे क्या है, हमारा ट्रेबल काम करने लग जाएगा और हमारा ट्रेबल सही काम करेगा। तो दोस्तों, मैंने इस वाले वॉल्यूम के अंदर बता दिया है आपको कि आप ट्रेबल किस तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं इस वाले वॉल्यूम के अंदर बताता हूँ कि इस वाले वॉल्यूम के अंदर आप ट्रेबल कैसे बनाएंगे। तो मैं इस वाले वॉल्यूम के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि किसी किसी होम थिएटर के अंदर ये वॉल्यूम लगा होता है और किसी के अंदर ये लगा होता है। तो मैंने आपको इसकी वायरिंग बता दी, इसकी ग्राउंड वाली जो पिन है वो लास्ट वाली और बीच वाली पिन जो है दोनों ऑडियो है। तो बीच वाली पिन पर हमारे ये दोनों वायर चली जाएगी जो मैंने PF की एक एक वायर पर लगाई है, और जो ये ग्राउंड वाली है ग्राउंड पे चली जाएगी, तो हमारा जो ट्रेबल काम करने लग जाएगा। अब मैं इस वाले पिन की बता देता हूँ, इसके अंदर आपको क्या है, शुरू की दो पिन छोड़ देनी है और ये लास्ट वाली पिन जो है और ये वाली, इन दोनों, और इन दोनों पिनों को
जो हमारी ये लास्ट की पिन है ये वाली, इससे हमें ये सेकंड वाली जो पिन है इन दोनों को मोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड होती हैं। ये देखिए ये दोनों पिन हमारी ग्राउंड होती है, तो ये दोनों पिन मोड़ दी हैं, और जो शुरू की जो दोनों पिन है वो हटा देनी है, उन पे हमारे कोई कनेक्शन नहीं रहेंगे। अब मैं इसके अंदर पीएफ आपको लगा के दिखाता हूँ। पीएफ लगाने के बाद आपका जो है इस वाले वॉल्यूम पे भी ट्रेबल काम कर जाएगा। देखिए दोस्तों ये वायरिंग इस तरीके से होगी, और जो ये बीच वाला वायर है काले वाला, ये हमारा लग जाएगा इस ग्राउंड पे। तो देखिए इसकी वायरिंग कैसी है, इसके अंदर जो हमारी ये दोनों पिन है, ये दोनों पिन हमारी ग्राउंड हो चुकी है। एक लास्ट वाली पिन पे पीएफ लग गया है, और एक हमारी तीसरी पिन पे पीएफ लग गया है, और फिर हमने एक एक पिन की पीएफ से रेड वाली और येलो वाली वायर और ब्लैक वाली हमारी ग्राउंड पे है ही, इस तरीके से ले लिया है। और अब हमें इसके कनेक्शन ट्रेवल पे कैसे करने हैं, तो दोस्तों इसके कनेक्शन बिल्कुल सेम करने हैं हमें, जहाँ जहाँ से ये वायर हमने उठाई है वहीं वहीं से यही वायर हमें वॉल्यूम पे जाके लगानी है। ये तीनों वायर, जो हमारी रेड वाली वायर है वो ये उस पर चली जाएगी रेड वाले पिन पर ही लास्ट वाली पे, येलो वाली तीसरी पर चली जाएगी, और ग्राउंड वाली हमारी ग्राउंड पे चली जाएगी वॉल्यूम पे। तो ये तीनों कनेक्शन हमें वॉल्यूम पे करने हैं, तो इस तरीके से हमारा ट्रेवल काम कर जाएगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको इसके अंदर भी ट्रेवल बनाना बताया और इसके अंदर, और दोस्तों ये वाला जो ट्रेवल मैंने बताया ये आपका 110% काम करेगा, क्योंकि हम अपनी जब भी कभी वायरिंग करते हैं तो इसी तरीके से ट्रेवल बनाते हैं। और ट्रेवल जो आप ये पीएफ जो है, आपको मैंने ये चार तरह के पीएफ बता दिए हैं, इनमें से आप कोई से पीएफ लगा सकते हैं, क्योंकि इनसे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 104 नहीं होता तो ये होता है, तो इन चारों में से कोई सा भी आप लगा सकते हैं। और ये याद रखें कि इसके कनेक्शन वॉल्यूम पे ही होने हैं, और जो मैंने आपको पिनें बताई हैं तो वो यही याद रखना कि जिस पिनों पे पीएफ और ग्राउंड लगा हुआ है उन्हीं पिनों पे वॉल्यूम पे ही जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।